जय हिंद मेरे प्यारे सही भाइयों को, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल B.sc मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जो मैं आपके सामने अभी क्वेश्चन बताने वाला हूं, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, दो तीन तरीके से पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्वेश्चन का सलूशन क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसका हम बेसिक समझेंगे और बेसिक करने के बाद हम क्वेश्चन पाएंगे, क्योंकि बेसिक के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है, कुछ चीज़ का बेसिक समझेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पर, अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते समय अगर इस तरह का साइन चला है, मतलब इस क्या पढ़ते हैं, डेल पढ़ते हैं। अगर उल्टा हो तो डेल पढ़ते हैं, अगर सीधा हो तो डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। अगर इस तरह का आपका साइन हो जाए तो साइन देखते ही आपको इतना मान पुट कर देना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या पुट करना है, वेक्टर आई बटा डेल एक्स प्लस वेक्टर जे डेल बटा डेल वाई प्लस वेक्टर के डेल बटा डेल एज डेल जेड पुट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये डेल है इसको हम और पढ़ते हैं, ग्रैंड भी पढ़ते हैं, ग्रैंड भी पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको कुछ इस तरह आ जाए, ग्रैंड और फाई चला है, तो इसे क्या लिख सकते हैं। ग्रैंड को हम अभी पता चला है कि इस तरह लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, सॉरी इस तरह लिखते हैं उल्टा, तो यहाँ पर उल्टा लिख दिए। और जिसे डेल पढ़ते हैं इस बीच में फाई लगा दिए। और हम लोग अभी पता चला है कि इसका मान क्या होता है, इतना मान होता है, और फाई को यहाँ पर हम लिख दिए। और फाई को बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसा देख सकते हैं यहाँ पर फाई यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर फाई आ चुका है, यहाँ पर भी आ चुका है। इस तरह अगर क्वेश्चन मिले तो इस तरह सब करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह मिल जाए, डाइवर्जेंट वेक्टर वी वेक्टर भी, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जहाँ भी डाइवर्जेंट हो इसके अंदर इंटू होता है, ठीक है, इंटू बीच में लगता है। तो हम डाइवर्जेंट को भी इस तरह लिखेंगे, डेल और जो बीच में डॉट लगाएंगे और भी को भी लिख देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इसका मान तो हम जानते हैं इतना होता है, और भी को इसमें इंटू करा देंगे। इंटू करने के बाद सिर्फ भी आपको इसके जगह इसके यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दिखे, कर्ल दिखे और वेक्टर भी दिखे, तो सबसे पहले कर्ल को क्या लिखेंगे, डेल लिखेंगे और बीच में मल्टीप्लाई होगा। सिर्फ आपको याद रखना है, अगर कर्ल हो तो बीच में मल्टीप्लाई होगा, अगर आपको डाइवर्जेंट हो तो बीच में डॉट होगा, ये इतना आपको याद रखना है। तो कर्ल है तो क्या लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई लिखेंगे, और वेक्टर बी को वेक्टर भी लिख चुके हैं। और डेल का मान हमको पता है इतना होता है, और इसको इतना से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख चुके हैं, भी को भी सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार दिखे तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, अगर डेल दिखाई दो और डॉट दिखाई दे और वेक्टर यू प्लस माइनस वेक्टर भी दिखाई दे और इतना दिखाई दे, तो कैसे लिखेंगे। अगर यहाँ पर डॉट है तो हमको पता है कि डॉट कहाँ होता है, डाइवर्जेंट में होता है, तो इसके जगह हम डाइवर्जेंट लिखेंगे और डॉट को ही हम डाइवर्जेंट लिखते हैं और इसको सिंपल इतना उतार देंगे। और इसके जगह यहाँ पर भी डॉट है तो डाइवर्जेंट लिखेंगे और यू को यू लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे, और इसके भी जगह डाइवर्जेंट और भी को भी लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करते दौरान ऐसा आ जाए, तो हम जानते हैं कि जहाँ भी गुना होता है इसका मान हम क्या लिखते हैं, कर्ल लिखते हैं, तो डेल के जगह क्या लिखेंगे, कर्ल लिखेंगे और इसको सिंपल इतना उतार देंगे। और इसके जगह बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो कर्ल लिखेंगे वेक्टर यू, और इसको भी कर्ल और वेक्टर बी लिख देंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछा जाएगा, आपको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, सॉरी क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है और आपको पूछा है कि इतना कर्ल फाइव वेक्टर ए बराबर फाइव कर्ल वेक्टर ए प्लस ग्रांड फाइव गुनेट वेक्टर ए। तो सबसे पहले इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर कर्ल है तो बीच में इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, और कर्ल को डेल लिखते हैं और इसको इतना और इसको इतना, कर्ल है तो बीच में डेल लिखेंगे और कर्ल के बीच में गुना होता है गुना, और ग्रांड है तो इसको इस तरह लिखवे करेंगे और इसको गुना ना यहाँ पर सीधे इस तरह लिख देंगे और वेक्टर लिख देंगे। और सबसे पहले हम चलते हैं LHS से, तो LHS इतना है तो LHS इतना लिख चुके हैं, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर लिख चुके हैं। और हमको पता है कि इतना का मान डेल का मान इतना होता है, तो इतना लिख चुके हैं और इतना को हम यहाँ पर लिख दिए। और
क्या होता है, जो ये वाला है ना डेल कमान यहाँ बैठा दिए और इतना कमान यहाँ पर हम लिख चुके हैं, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। तो सब में बारी बारी से इसमें मल्टीप्लाई इतना से कर देना है और इसमें भी इतना से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। अब इसके बाद आपको सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है और आई वाले को बाहर निकालना है और गुणा करके फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है और सेकेंड वाले को सॉरी फर्स्ट हाँ सॉरी ठीक है फर्स्ट वाले को बाहर निकालना है, सेकेंड वाले को डिफ्रेंशिएशन करना है और फिर इसमें ही क्या करना है, फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है, सेकेंड वाले को बाहर निकालना है। सिंपल आपको तीनों में यही यूज करना है, जैसे जो बताएं फर्स्ट वाले को बाहर निकालना है, सेकेंड वाले को डिफ्रेंशिएशन करना है, इसमें भी यही काम करना है। इतना करने के बाद फर्स्ट वाले को हमको एक मतलब सबको बराबर जो है ना ये फर्स्ट है फर्स्ट है फर्स्ट है इसे एक एक साथ लिखेंगे और सेकेंड वाले को एक साथ लिखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख चुके हैं फर्स्ट वाले को सॉरी फर्स्ट वाले को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर लिख चुके हैं मल्टीप्लाई कर चुके हैं और फर्स्ट वाले को एक साइड और ये फर्स्ट फर्स्ट वाला है तो सबको एक साइड और सेकेंड वाले को एक साइड, जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट वाले को एक साइड लिख लिए और बीच में प्लस का साइन देकर यहाँ पर प्लस साइन देकर सेकेंड वाले को एक साइड ले लेंगे। और आपको इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है सभी में, अब कॉमन दिखाई दे रहा होगा वेक्टर ए और फाई, तो वेक्टर ए और फाई को कॉमन ले लेते हैं, देखिए फाई है और वेक्टर ए को कॉमन लेने पर इस तरह आ जाएगा और सेकेंड वाले में वेक्टर फाई को और वेक्टर ए को कॉमन लेने पर आपको इतना आ जाएगा। और हमको पता है कि इतना का मान डेल होता है तो यहाँ पर हम इतना फाई लिख दिए और डेल वेक्टर ए और फाई वेक्टर ए, इसको भी फाई यहाँ पर हो गया, इसका मान डेल हो गया और इनटू में ए है तो ए हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है और इसको हम सिंपल इस तरह लिख चुके हैं और हम जानते हैं कि जो डेल है डेल को हम ग्रैंड भी लिखते हैं, ग्रैंड भी लिखते हैं तो ग्रैंड लिख दिए और फाई को फाई लिख दिए वेक्टर ए और फाई को फाई लिख दिए और बीच में इनटू है तो इसको कर्ल लिखेंगे और वेक्टर ए आपका प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था, बहुत ही आसान है बहुत ही ईजी है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर कर्ल में पूछा जाए तो इसे आप भी सोल्व कर सकते हैं और डाइवर्जेंट में पूछा जाए तभी आप सोल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।